पाइप सीरीज एंड पाइप्स इन पैरेलल का फॉर्मूला है, पॉइसनस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आते कैसे हैं। पॉइसनस फॉर्मूला आपको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू देता है। पॉइसनस फॉर्मूला में आपको इसका बिहेवियर, वाटर का मूव करने का बिहेवियर या किसी भी लिक्विड को का मूव करने का जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैच करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे, ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी में वायर में चार्ज मूव करता है, पाइप में वॉल्यूम मूव करता है। चार्ज मूविंग पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और वॉल्यूम मूविंग पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, लिक्विड करंट। तो आपने सुना होगा कि रिवर मूव कर रही है, उसके पास मत जाओ, रिवर का करंट बहुत ज़्यादा है, बिजली का करंट थोड़ा ना ज़्यादा है उसमें, उसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम बह रहा है कि आप भी साथ में बह जाएंगे, इसे बोलते हैं वाटर करंट। समुंदर में लिखा होता है कि इट इज़ डेंजरस कि आप उसमें जब बारिशें होती हैं तो समुंदर में नहीं जाना चाहिए आपको, उसमें लिखा होता है वाटर करंट इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा है तो डेंजरस है। तो वाटर करंट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड बहुत ही ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये डिस्कस किया है या आपने टेंथ में किया होगा कि अगर दो वायर सीरीज में हैं तो करंट की वैल्यू दोनों में सेम रहती है। आप चाहे 10 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगा दें, आई की वैल्यू 10 के 10 में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बैटरी का लगाते हैं वो डिवाइड हो जाता है इसमें V1 और V2 में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये वैल्यू दिख भी रहा है, I into R1, I into R2। तो V की वैल्यू इसमें क्या आएगी, I into R1, और V की वैल्यू इसमें क्या आएगी, I into R2। तो V की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका वो किसके इक्वल होगा, V1 plus V2, ये भी ट्रू है। तो V is equal to V1 plus V2, कोई डाउट इसमें। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू दोनों में क्या रहती है, सेम, लेकिन डिवाइड क्या होता है, करंट, क्योंकि जो करंट आएगा बैटरी में से कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे जाएगा, I1 ऊपर जाएगा I2 नीचे जाएगा, लेकिन जो टोटल करंट है I वो किसके इक्वल रहेगा, I1 plus I2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसमें सेम रहेगी। ऐसा आपने टेंथ में किया। अब सेम रिजल्ट पाइप्स में लगेगा। पाइप्स में सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइसनस फॉर्मूला। पॉइसनस फॉर्मूला में ये किया कि अगर आपके पास ये पाइप है और यहाँ का प्रेशर बड़ा है और यहाँ का प्रेशर छोटा है और एल लेंथ है, प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, P1 minus P2। और पॉइसनस फॉर्मूला क्या कहता है, इस ट्यूब में कितना वॉल्यूम निकलेगा पर सेकेंड, उसका फॉर्मूला π/8 डेल्टा पी प्रेशर का डिफरेंस R^4 / ईटा × L। ये फॉर्मूला किया। अगर आपकी पाइप्स सीरीज या पैरेलल में है, लेकिन उससे भी पहले एक और चीज़ देखते हैं, अगर मैं वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को लिखूं डेल्टा पी ऊपर रहने दूं, पाए और R^4 को नीचे ले आऊं, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसके अंदर क्या है, इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर का डिफरेंस, और इस टर्म को बोलते हैं लिक्विड की रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम लॉ देखें क्या बोलते हैं, ओम लॉ है करंट, करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कंपेयर करें, पाइप्स में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह कौन सा डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह कौन सी रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक करंट की जगह कौन सा करंट, लिक्विड करंट। तो बिल्कुल ओम लॉ लगा रहा हूं मैं, ओम लॉ कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और पाइप्स क्या कहती हैं, पाइप्स के अकॉर्डिंगली वाटर करंट या लिक्विड करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस की जगह प्रेशर डिफरेंस अपॉन लिक्विड की रेजिस्टेंस। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है लिक्विड रेजिस्टेंस पर, तो ये फॉर्मूला मार्क कर लें, लिक्विड की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 8 ईटा L/π × R^4। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी में R प्ले करती है और लिक्विड करंट में ये रेजिस्टेंस प्ले करती है। और आप चाहें तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में किया था, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर मान लो दो वायर की जगह एक वायर लगानी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 plus R2, और पैरेलल में क्या होगी, 1/R = 1/R1 1/R2। सेम कॉन्सेप्ट पाइप में भी लग सकता है, अगर दो पाइप सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 plus R2, सेम कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो इस फॉर्मूले को नोट करें, ये किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आ सकता है। और अगर नहीं भी याद आपको ये फॉर्मूला, जैसे मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला, तो मैं तो मेरे को तो यही फॉर्मूला याद है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने मन में डेल्टा भी ऊपर रखे बाकी टर्म को नीचे करके उसको मान लेता हूँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है।
तो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अननेसेसरी मेरे को दो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। ठीक, अब मैं अपना क्वेश्चन इस रेजिस्टेंस से करता नहीं हूँ, हालांकि काफ़ी बुक्स मैंने देखी हैं इस रेजिस्टेंस से करती हैं। मैं तो रेजिस्टेंस का बिना फॉर्मूला की कर देता हूँ। देखो कैसे, मैं कॉन्सेप्ट ये यूज़ करता हूँ कि अगर आपके पास दो पाइप्स हैं और दो पाइप्स कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, एक बड़ी पाइप है और एक छोटी पाइप हो गई, लेकिन वो कोई पानी की लीकेज नहीं है, वही पानी बड़ी से छोटी पाइप में जाने वाला है। और लेट अस सपोज यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस है यहाँ और यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में, वो डेल्टा पी वन है, और यहाँ प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी टू है। तो प्रेशर का डिफरेंस दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि जब सीरीज के अंदर वायर्स भी कनेक्टेड थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दोनों में क्या होती थी, डिफरेंट। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस भी डिफरेंट। आप वैसे भी सोचें, कॉमन सेंस से सोचें, आपको क्या लगता है कि इस पाइप का प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा, स्मॉलर वन का? आपको क्या लगेगा, अगर एक बड़ी पाइप में से पानी निकले तो आपके हाथ पे पानी गिर रहा है तो वो तेज़ गिरेगा या फिर छोटी में से तेज़ गिरेगा? छोटी में से तेज़ गिरेगा। देखो ना, आप वैसे भी गार्डनिंग करते हो तो अपना हाथ रख देते हो पाइप के ऊपर ताकि वेलोसिटी एकदम तेज़ हो जाए, प्रेशर तेज़ हो जाता है तो। लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड तेज़ नहीं होता, ये ना सोचना कि आपकी बाल्टी जल्दी भरेगी या मैं ऐसे ऐसे तेज़ कर दूंगा, तो कुछ ना होगा उससे। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो आ रहा है वो तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसलिए प्रेशर डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दी कितनी जगह है पाइप के पास मूव करवाने के लिए। जितनी कम जगह होगी और पानी ज़्यादा जाना है तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, सीरीज के अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम। एक सेकंड में अमाउंट ऑफ वॉल्यूम तो बड़ी या छोटी पाइप में से सेम ही पास होगा। ये नहीं हो सकता कि इसमें बड़ी पाइप है ज़्यादा पानी आएगा, फिर छोटी है इसमें छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। वो तेज़ निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है पर सेकेंड वो एग्जैक्टली दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो सीरीज के अंदर क्या चीज़ सेम रखनी है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, लेकिन प्रेशर डिफरेंस को सेम नहीं रखना। अब आ जाते हैं पैरेलल में। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि पैरेलल के अंदर ना एक पाइप आई, मैंने एक पाइप ऊपर ले ली एक नीचे ले ली, ऐसा नहीं है। ये डायग्राम ऐसा है, एक पाइप आई, पाइप एक इधर चली गई हॉरिजॉन्टल, एक इधर चली गई इस प्लेन में और एक इधर चली गई, ऐसे है। ऐसे नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो प्रेशर डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना, ऊपर जाते जाते प्रेशर चेंज हो जाएगा और इसमें डिफरेंट होगा। तो ये पाइप अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं जा रही, ये पाइप हॉरिजॉन्टल है और ये इसका टॉप व्यू दिखा रहा है, मैंने दिखाया हुआ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है एक्चुअल में, और समझना है तो सोचो एक टेबल के ऊपर पाइप है, ये रही पाइप, ऐसे ये लो, ऐसे एक टेबल का टॉप है, टेबल के टॉप पे कुछ इस तरीके से पाइप्स ली मैंने, यहाँ से लिक्विड आया, कुछ लिक्विड इस रास्ते से चला जाएगा और कुछ इस रास्ते से चला जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों रास्तों में क्या रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, डिवाइड हो जाएगा, हाँ दोनों का एडिशन होगा। ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्योंकि पानी बट गया ना, सेम कैसे होगा, बटेगा बराबर बटेगा, तुम कैसे कह सकते हो? पाइप बड़ी छोटी हो सकती है, एक पाइप बड़ी है एक पाइप छोटी है, एक मोटी पाइप है एक छोटी पाइप है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग परसेंट जंक्शन पे इक्वल बटेगा, ये नहीं मैं बोल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि कितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड यहाँ से आएगा उतना ही वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ऊपर जाएगा और कुछ नीचे जाएगा, लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इसके इक्वल रहेगा। मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ डिवाइड होता है, करंट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। बस चार्ज बाय टाइम की जगह यहाँ पर वाटर करंट है, यानी कि वॉल्यूम बाय सेकेंड, वॉल्यूम बाय टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल इसके इक्वल रहेगा। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि प्रेशर डिफरेंस इनमें सेम रहने वाला है। वो कैसे, आप देखो ये जंक्शन है, यहाँ का प्रेशर कितना है पी वन, ये जंक्शन है यहाँ का प्रेशर कितना है पी टू, तो बोलो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर कितना है पी वन माइनस पी टू, और प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर कितना है P1 माइनस P2, तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू ऊपर और नीचे क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। ऐसे है ही नहीं भाई ये डायग्राम, ऐसे है, ये वो लिक्विड का वो प्रेशर नहीं है, HRO की बाल्टी भर दी और नीचे HRO, ये तो पंप ने लगाया हुआ प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स हैं ये तो पीछे कोई पंप चल रहा है और वहां से पानी भाग के आ रहा है, वो प्रेशर नहीं हमें पता क्या है, उसमें तो काइनेटिक एनर्जीज और बहुत कुछ आती हैं। क्योंकि मैंने आपको जो प्रेशर सिखाया अभी तक उसका तो कॉन्सेप्ट इसमें लग ही नहीं रहा, वो तो स्टैटिक प्रेशर था ना, उस चैप्टर का नाम ही स्टैटिक है क्योंकि उसमें पानी का भी मूव
करता ही नहीं था, उसमें तो स्टेशनरी था, इक्विलिब्रियम था, कब देखा तुमने पानी मूव करता हुआ? हुआ ही नहीं कभी भी। अब जो करेंगे, उस चैप्टर का नाम है फ्लूइड फ्लो। लिक्विड क्या करेगा? अब मूव करेगा, या फ्लूइड डायनेमिक्स। लिक्विड के पास काइनेटिक एनर्जीज भी होंगी। अब हम मूव करवाएंगे, पहले स्टैटिक था, अब डायनेमिक है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स। तो पाइप्स इन पैरेलल के अंदर प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू दोनों पाइप में क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम, डेल्टा पी सेम रहेगा, लेकिन जितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड यहां पे होगा, जितना यहां पे होगा, इन दोनों का सम इसमें होगा। तो याद रखना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड दोनों में एडिशन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? सीरीज में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम रहेगा, पैरेलल के अंदर ये चीज डिवाइड हो जाएगी। क्या ये रूल सही है? और जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखते हैं पैरेलल के अंदर, और ऐसी पैरेलल के अंदर डेल्टा पी की वैल्यू भी दोनों पाइप में क्या रखी जाएंगी? सेम। करें स्टार्ट, इसका न्यूमेरिकल कैसा आएगा? तीन न्यूमेरिकल बड़े फेमस हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा पाइप सीन सीरीज पैरेलल, तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और जो मैं होमवर्क दूंगा, मेरे ख्याल से वो दो क्वेश्चन उसमें डाउट आ सकते हैं, वो डाउट भी नहीं आएंगे। उनमें पहला क्वेश्चन है, शो दैट इफ टू कैपलरीज ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू, दो कैपलरीज हैं, पतली ट्यूब को कैपलरीज बोलते हैं, कैपलरी ट्यूब, एंड लेंथ एल वन एल टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ध्यान से पढ़ना है, दो पाइप किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज। अक्रॉस द प्रेशर हेड ऑफ पी, मतलब मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, देखो इनमें दोनों में प्रेशर डिफरेंस है पी। इसके अंदर एक पाइप नहीं लगाई किसी ने, इसमें दो पाइप्स लगा दी इस रास्ते में, और एक बड़ी पाइप है और एक छोटी पाइप है, क्योंकि एक का रेडियस कितने आर वन है और एक का मान लो आर टू है। लेकिन दो कोनों पे जहां पर मैंने पाइप्स को लगाया वहां का प्रेशर डिफरेंस टोटल तो पी है। तो इस केस में प्रूव करो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब क्या निकालना है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू ये रहेगी, प्रूव किया जाए। तो मैं इस पिक्चर को अपने माइंड में कैसे रखूंगा? मैं ऐसे रखूंगा, मैंने दो ट्यूब ले ली, मैंने इमेजिन कर लिया एक ट्यूब का रेडियस बड़ा है और एक ट्यूब का रेडियस छोटा है। एक ट्यूब की लेंथ L1 है और दूसरे ट्यूब की लेंथ L2 है। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? मैंने दो ट्यूब ले ली और उसने क्या बोला था? दो ट्यूब लो, चाहे दो लो, चाहे एक लो, चाहे कितनी भी लो, प्रेशर हेड क्या है? टोटल P। प्रेशर हेड का मतलब यहां और यहां के बीच में टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना है? P। एक ट्यूब का नहीं गिवन, टोटल प्रेशर हेड, टोटल प्रेशर डिफरेंस गिवन है P। अब मैंने आपको यह सिखाया कि टोटल तो ठीक है P, पर सीरीज के अंदर दो ट्यूब्स का, अलग अलग ट्यूब्स का प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। टोटल तो P है, तो मैंने क्या मान लिया? इस पाइप के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस अपने मन में मान लिया P1 है, और इसमें कितना मान लिया? P2 है। लेकिन एक बात पक्की है, टोटल P है और P किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी में V किसके इक्वल होता है? V1 प्लस V2, ओम लॉ। ऐसी P किसके इक्वल होगा? P1 प्लस P2। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? P इक्वल टू P1 प्लस P2, इमेजिन कर लिया। तो ये आपको टोटल प्रेशर देगा P। इंडिविजुअल पाइप के प्रेशर आपको खुद इमेजिन करने हैं P1 एंड P2। अपना न्यूमेरिकल गलती से P से मत कर देना, क्योंकि P तो टोटल है जिसमें दो पाइप्स लगी हुई हैं, तो P को तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा P1 एंड P2 को। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? हाँ, इतनी बात पक्की है, P P1 प्लस P2 के इक्वल है, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला पॉइसलीज फॉर्मूला पता है कि इसमें लगने वाला है, जिसका फॉर्मूला पाई बाय 8 पी आर 4 बाई ईटा एल है। अब मुझे पता है ये दोनों पाइप किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। तो बोलो फिर, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पहली पाइप का कितना है? पाई बाय 8। प्रेशर डिफरेंस कितना है? पी वन। रेडियस कितना है? आर वन फोर ईटा इंटू एल वन। लिक्विड चेंज नहीं हुआ तो ईटा सेम रहेगा। और उसी तरीके से सेकेंड पाइप का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? अच्छा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो P1 एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी। P1 वो है ना, अननोन है इसमें। फिर सेम कॉन्सेप्ट सेकेंड पाइप के लिए लगा लें। सेकेंड पाइप का भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड तो V ही रहेगा, इसमें V लिया इसमें V रहेगा, क्योंकि सीरीज के अंदर V की वैल्यू रिमेन्स सेम। फर्क क्या है? जहां यहां पर क्या आ रहा है L1 वहां आएगा L2, जहां आएगा R1 वहां आएगा R2, जहां आएगा P1 वहां आएगा P2। तो तुमने इस पाइप पे फॉर्मूला लगा के P1 निकाल लिया, इस पे लगा के P2 निकाल लिया। इन दोनों P1 P2 को ऊपर पुट कर दें, ऊपर पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी। हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, जिसका सिंबल क्या है? V।
ये सारी चीज़ें इसमें से कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल के क्या निकालना है, वी। तो एक काम करें, इस टर्म को उधर ले जाएं, ये टर्म डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो जो प्रूव करना है वो आंसर आ जाएगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही लगाया कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सीरीज में अपनी वैल्यू को क्या रखेगा, सेम, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट एक ही है जो मैंने याद किया हुआ है, सीरीज के अंदर पी पी वन प्लस पी टू होगा और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में सेम होगा। बाकी जो क्वेश्चन में होगा तब की तब देखेंगे, मतलब ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पाइप सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट कैसे करें, सीरीज का कैसे करना है? सीरीज का एक बड़ा और फेमस क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये मेंशनड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल। वगैरह एक ट्यूब है जिसकी लेंथ क्या है, एल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ऑफ रेडियस आर इज वी। तो कह रहे हैं एक ट्यूब है, एक ट्यूब की लेंथ क्या है, एल है, जिसका रेडियस क्या है, आर है, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, वी है। और ये पी मैंने खुद एज्यूम कर लिया कि अगर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड और प्रेशर डिफरेंस तो होगा ही होगा, इसके बिना तो वैसे भी लिक्विड मूव नहीं कर सकता, क्योंकि लिक्विड मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर। तो प्रेशर डिफरेंस जीरो बोलना तो मेरी गलती होगी, प्रेशर डिफरेंस तो होगा, और क्योंकि मेरे को पॉइसलीज लगाने तो मेरे को प्रेशर डिफरेंस खुद एज्यूम कर लिया मैंने इसमें पी है। एक स्टेटमेंट खत्म, पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया क्या गिवन है। क्वेश्चन अब स्टार्ट है, वो कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालो, फिर से निकालो, मतलब हाँ बिल्कुल फिर से निकालो, यानी कि एक वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड तो वी दे दिया उसने, एक एसी खत्म कर दिया, कहता बात खत्म करो इस केस को, फिर से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालो, नया निकालो, कब, जब एक की जगह, इन पोजीशंस में एक की जगह अपने कितनी पाइप लगानी है, दो लगानी है, दो ट्यूब लगानी है, लेंथ दोनों की क्या एग्जैक्टली सेम है, एंड रेडियस लेकिन डिफरेंट है, एक बड़ी पाइप है और एक छोटी पाइप है, और ये कॉम्बिनेशन किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। मतलब मेरे को एक ही चीज आती है जो तुमने बोली, सीरीज है ना, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम रहेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरा आंसर वी की फॉर्म में निकालना है, तो मैं कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करूंगा और अपने आंसर को वी की फॉर्म में निकाल लूंगा। पर क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप इसको मिक्स मत कर देना कि ये वाला केस और ये वाला केस ना, एक केस तो खत्म हो गया, वो कहता है ये लो, और मैंने आपसे ये पूछ लिया फर्स्ट केस में जो तुम्हें गिवन था, एक जो पहली लाइन बोल रहा है कि एक पाइप है, इस पाइप के अंदर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला क्या लगाओगे, आपने बोला पाई बाय 8 पी आर 4 बाय ईटा एल, और मैंने जब पी पूछा आपने कहा खुद खुद एज्यूम कर लिया, नहीं गिवन तो ना सी, पी तो एज्यूम करना ही था, ठीक है, ये केस खत्म हो गया। अब दूसरा केस आ गया, दूसरे केस में केस नंबर टू, उसने क्या बोला, अब दो पाइप लो, एक मत लो, अब दो लो, दो पाइप को किस में लगाओ, इन सीरीज, सीरीज में लगाओ, और एक का रेडियस आर, एक का आर बाई टू लो। अब ये एक अजम्पशन है मेरी, ऐसे मान लो, या ये अंडरस्टूड है ऐसा मान लो कि दो पाइप्स को जो लगाना है प्रेशर डिफरेंस वही रखना है जिसमें आपने पहली पाइप को फिट किया था, प्रेशर डिफरेंस नहीं चेंज करना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं ना कि किस प्रेशर डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों केसेस में पी प्रेशर डिफरेंस दो एंड में एग्जैक्टली सेम है, चाहे तुम उसमें एक पाइप लगाओ चाहे तुम उसमें दो पाइप्स लगाओ। तो इसका मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस, टोटल प्रेशर डिफरेंस को चेंज ही करना, वो पी मानना है। तो उसमें तुमने जब एक पाइप लगाई तो ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, और जब तुम दो पाइप लगाओगे तो तुम्हें नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें इसकी लेंथ एल और एल है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम कर दें, एक ही तो चीज़ आती है हमें सीरीज के अंदर, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम कर देते हैं। चलो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड में बोलो, इस पाइप का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है कितना, पाई बाय 8। प्रेशर डिफरेंस देखो खुद एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज का काम है, तो पी तो रहेगा नहीं, पी बट जाएगा दो हिस्सों में, पी वन एंड पी टू। तो इसमें मैंने खुद मान लिया पी वन, खुद मान लिया पी टू, तो बोलो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड फर्स्ट पाइप में क्या होगा, पाई बाय 8। प्रेशर डिफरेंस पी वन, रेडियस आर 4 रेज टू पावर ईटा एल, और दूसरी पाइप में क्या होगा, पाई बाय 8। प्रेशर डिफरेंस की जगह पी टू, रेडियस की जगह आर बाय 2 रेज टू पावर 4 बाय ईटा एल।
क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? मेरे को एक ही चीज़ आती है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। वैसे मेरे को निकालना भी यही है, वैसे देखा जाए तो मेरा आंसर आ गया। वो अलग बात है कि आपको आपका आंसर वी की फॉर्म में निकालना है। तो तुमने इसे इक्वेट कर लिया, पाई बाय एट आर आर ईटा ईटा एल एल सब कैंसल, प्रेशर का रेशियो आ गया। तुम्हें पता लग गया प्रेशर पी वन जो है और पी टू है जो पी टू जो है वो ऐसे रिलेटेड है। तो पी टू का प्रेशर 16 गुना ज़्यादा है पी वन से, और तुम्हें यह भी पता है टोटल प्रेशर पाइप में कितना है, पी पी किसके इक्वल है, पी वन प्लस पी टू, और पी टू क्या है 16 पी वन, तो ऐड करके 17 पी वन, तो पी वन की वैल्यू क्या आ गई, पी बाय 17। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब वापस चलो, तुम्हें इस पाइप में क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो बोलो इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कितना है, ये रहा, इसमें कितना है, ये रहा, और तुम्हें यही तो निकालना है। तो तुम कोई भी एक वैल्यू चुन लो, चलो मैंने ये चुन ली, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड नए वाले केस में ये रही पाई बाय एट पी वन आर फोर बाय ईटा एल, ये ले लिया। पी वन की जगह आप क्या पुट करेंगे, पी बाय सेवनटीन। वन बाय सेवनटीन जब बाहर आ गया, क्या बचा, पाई बाय एट पी आर फोर बाय ईटा एल। लेकिन ध्यान से देखो, जो फर्स्ट केस तुम्हें गिवन था, इस पूरे टर्म की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है, वी। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, इस पूरी जगह क्या पुट कर देते हो, वी। तो यानी कि सीरीज में लगाने के बाद वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कितना हो जाएगा, जो पहली पाइप का वी था, इस पाइप में क्या हो जाएगा, वी बाय 17। ऐसा आंसर दिखेगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट केस लिया मैंने, उसने बोला एक पाइप लो, मैंने पाइप ले ली एल, रेडियस लो, मैंने रेडियस ले लिया एल, उसने कहा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, दे दिया मैंने वी, तो मैंने लिख लिया वी, और वी का फॉर्मूला संभाल के रख लिया, एक केस क्लोज हो गया। उसने बोला अब इसकी जगह दो पाइप लगा दो, दो पाइप लगा दी, कह रहे नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकाल लो, तो निकाल लिया दोनों में लगा के, यही तो निकालना है। फिर इसके अंदर सॉल्व करके प्रेशर की रेशियो आ गई, टोटल प्रेशर पी वन पर पी टू में, पी टू को पुट करके पी वन की वैल्यू आ गई, और ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालना है, इसमें पी वन की जगह पी बाय 17 पुट करके, इसको वी पुट करके वी बाय 17 की वैल्यू आ गई। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि सीरीज के अंदर कैसे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो ये कहता है कि सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, फिर से नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालो। क्वेश्चन वही है कि पहले तुम एक ट्यूब लो, एक ट्यूब का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ये लो, अब तुम इस ट्यूब की जगह दो ट्यूब लगाओ, कनेक्टेड इन सीरीज नहीं, कनेक्टेड इन पैरेलल, अब बताओ नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा। तो अब तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ट्यूब का रेडियस आर ले लो और एक का आर बाय टू ले लो, लेंथ दोनों की बराबर ले लो, क्वेश्चन में गिवन है, और पी दोनों का बराबर ले लो, इसमें बटेगा नहीं क्योंकि बोथ पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल के अंदर प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम। यहां तक कोई डाउट? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड फर्स्ट पाइप का कितना है, पाई बाय एट पी आर फोर बाय ईटा टाइम्स एल, और दूसरे केस में आर की जगह कितना, आर बाय टू कर दिया। क्या स्टेप क्लियर है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड पाइप का क्लियर है। लेकिन पैरेलल में क्या सिखाया था कि टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, वी वन प्लस वी टू, ऐड कर देना होता है, सेम नहीं करना है इसमें, इसमें ऐड करना पड़ेगा और आपको ये निकालना है। तो तुमने फर्स्ट पाइप का लिया, तुमने सेकेंड पाइप का लिया, तुमने ऐड कर दिया, ऐड करके यहाँ से 17 बाय 16 टाइम आ गया, और तुम्हें पता है कि एक जो सिंगल पाइप थी उसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड ये क्या था क्वेश्चन में, वी, तो आंसर कितने टाइम आएगा, 17 बाय 16 टाइम वी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की पाइप्स को सॉल्व करना है। तो अगर पाइप सीरीज एंड पैरेलल आ जाती हैं तो ये दो तीन बड़े फेमस क्वेश्चन हैं जिसका कॉन्सेप्ट इसमें लगा के आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक ही चीज़ याद की हुई है, सच बताऊँ मेरे को कुछ नहीं आता इसमें पाइप्स में। तुम नया क्वेश्चन भी लाओगे मेरे को तब भी कुछ नहीं आता, मेरे को एक चीज़ आती है, जब सीरीज आएगा तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को क्या कर दो, सेम कर दो, और एक इक्वेशन बना के रख लो पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, और जब पैरेलल आएगा तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड को ऐड कर दो और बोल दो पी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम। बाकी क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा, आप कुछ तो करेंगे क्वेश्चन के अंदर बैठ के। समझ में आ रहा है यहाँ तक लॉजिक क्या है? तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ये भी नहीं करना, इसको रहने दो अभी, ठीक।